मेरी शादी उसकी उम्र तुम दोनों की शादियों से भी ज्यादा है। कैसे मैं तभी तो आप इस मॉडर्न जमाने की इतनी पढ़ी लिखी समझदार हुई है और तो आप सोच कैसे जमाना है वही ठीक है ना। आपकी बिल्कुल सही है। अब तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रमन ने जो पार्टी के लिए इन्वाइट किया है कैसे हो सकते सारा गुस्सा सारी नाराजगी दूर हो जाए। उससे ज़्यादा समझदार है और तेरे सारे सवालों के जवाब भी मुझे मिल जाएंगे। सारा डर ट्रस्ट मेरी शादी तेरी शादी से बहुत ज़्यादा सामने ते मेरी शादी उसकी उम्र तुम दोनों की शादियों से भी ज़्यादा है। तजर्बे भी गाना सही है। वैसे मेरा ख्याल है कि बंधु ना ठीक है ना भाई हीरो मुझे बेचारे को तंग कर दिया। वापस क्यों क्या सीक्वेंस चल रहा है उसके बारे में ये मोहब्बतें में बेसिकली हुआ ये है कि रमन गुस्से में घर छोड़ कर चला गया था। भल्ला जी उससे बहुत नाराज़ थे और भल्ला जी चाह रहे थे कि वो घर आ जाए लेकिन उनका ईगो आड़े आ रहा था। रमन भी चाहता है कि भल्ला जी बुला ले, वो दरवाजे पे से आकर वापस चला गया। उनका ये क्लैश चल रहा था और रिंकी जो है उसने काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले किया था इसमें। लेकिन फिर हमने जो है ना ये फैसला किया कि नहीं, जिस का दिमाग ख़राब होगा रिंकी का रोमी का उसको हम एहसास दिलाएंगे कि ये गलत है। तो भल्ला जी ने काफ़ी बातें सुनाई रिंकी को और मैं वो जो है ना बताने के लिए इशिता के पास आई हूँ अय्यर हाउस में। आजकल वो यहाँ पर ठहरी हुई क्योंकि हमारा घर उसने छोड़ दिया। तो मैं उसको ये बताने आती हूँ कि भाई वो भल्ला जी ने रिंकी को काफ़ी बातें सुनाई लेकिन यहाँ आती हो तो पता लगता है कि वो रूठी हुई बैठी है और रमन उसको पार्टी में ले जाना चाह रहा है और वो जाना नहीं चाह रही है। तो उसको मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि अपने हस्बैंड्स को हाथ में रखने के लिए उन्हें रिझाना पड़ता है। तू इस मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है तो तू जो है ना खूब टिप टॉप होके जा, एंजॉय कर और अपने हस्बैंड को खुश रख। तो अब वो जो है ना वो पार्टी की तैयारियां कर रही है। हाँ, वो इसीलिए था कि एक्चुअली हुआ ये कि रिंकी एक फ़्लैट ख़रीदना चाह रही थी। उसने मदद मांगी रमन से और रमन तैयार हो गया था कि उसके पास जितने पैसे हैं उसको इकट्ठा करके रिंकी को वो हेल्प करेगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है घर, 5 बेडरूम्स का एक फ़्लैट है, उसके लिए अच्छी खासी रकम दरकार थी। तो रमन राज़ी हो गया था लेकिन फिर बीच में ये हुआ अशोक की सारी चालें हैं। एक तरफ तो वो रिंकी को हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, रमन के ख़िलाफ़ कर रहा है, उसका काम यही है फूट डालना आपस में फैमिली मेम्बर्स में। तो एक तरफ तो उसने वो आग लगाई और दूसरी तरफ उसने मतलब ये किया कि परम को जना भड़काया और नए नए डर्टी पॉलिटिक्स वो चलता रहता है। अब परम ने आकर ये किया कि दोबारा अपनी बेटी अनन्या की कस्टडी का इशू उसने रेस किया। तो वो चाह रहा है कि अनन्या को ले ले और उसने फिर ये डिमांड किया कि अगर वो नहीं हम नहीं देते अगर अनन्या की कस्टडी तो उसके बदले में उसको बहुत बड़ी रकम दरकार है। तो इसलिए रमन ने फिर रिंकी को पैसे देने से मना कर दिया। ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई तो आपस में लोगों की लड़ाइयाँ हो गई, सबके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है और रिंकी की गलती से रमन को गुस्सा आया। जब उसको गुस्सा आया तो उसने गुस्से में भल्ला जी से ज़रा सा ज़बान चलाई, भल्ला जी को गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाए रिंकी और रमन घर छोड़ कर चल दिया। अच्छा, रमन जी कब तक वापसी हुई घर में? देखिए, अगर ये सारा कुछ मैं बता दूं वैसे तो खैर अब हो गया है। हाँ, सीन अगर ज़्यादा दूर होता तो मैं बिल्कुल कोई क्लू नहीं देती लेकिन हाँ अब शायद आज ही आ जाए एपिसोड या बहरहाल इन लोगों की जल्द सुलह होने वाली है।